समाजवादी पार्टी कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी करीब 61 कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। सभी भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त युवा शामिल जो हुए हैं उनको समाजवादी पार्टी की सक्रिय व प्राथमिक सदस्यता मेरे द्वारा कराई गई है। भारतीय जनता पार्टी से जो भी शामिल युवा हैं उनका कहना है कि वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से बहुत ही रुष्ट हैं, बेरोजगार हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनसे बड़े बड़े वादे किए थे रोजगार देने के, तमाम विकास के वादे किए थे मोदी और योगी जी ने, तो उन युवाओं का कहना है कि वो लोग अपने वादों पर खड़े नहीं उतरे। मोदी योगी जी ने जनता को जो है झूठ बोल के मूर्ख बनाया है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने सपा सरकार के दौरान मुख्यमंत्री रहते हुए सभी वादे पूरे किए, लाखों नौकरियां दी, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नौकरियां कहीं नहीं मिल रही हैं। ना सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरी दे रही है और ना ही राज्य सरकार नौकरी दे रही है और ना ही कोई रोजगार की व्यवस्था कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के उन नौजवान कार्यकर्ताओं का कहना है जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, उनके नेताओं की नीतियों से रुष्ट होकर, नाराज होकर नौजवान पार्टी में शामिल हो रहे हैं। नौजवान कार्यकर्ता जब पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है एक नया संदेश जा रहा है। सभी नौजवानों का कहना है जो भाजपा छोड़ के सपा में शामिल हुए हैं कि वो अखिलेश यादव जी की नीतियों से प्रभावित हैं, अखिलेश यादव जी के विकास के मॉडल से खुश हैं और इसीलिए आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का फिर से विकास हो वो लोग अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पुरजोर प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। इसलिए समाजवादी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर, माननीय अखिलेश यादव जी के नीतियों से प्रभावित होकर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आज सभी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए भाजपा के कार्यकर्ताओं का हम सभी लोगों ने स्वागत किया है, उनको सक्रिय और प्राथमिक सदस्यता भी दिलाई है और उन्होंने पूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी में निष्ठा व्यक्त करते हुए समाजवादी पार्टी में काम करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है।